क्या बात है छोटी माँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे ऐश्वर्या राय की जीवन कहानी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं ऐश्वर्या राय की जीवन कहानी के बारे में। ऐश्वर्या राय बच्चन भारतीय फिल्म अभिनेत्री और 1994 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही है। उनका बॉलीवुड में करियर शानदार रहा है और वे भारत की पॉपुलर और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज में से एक मानी जाती है। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्हें 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें भारत सरकार की ओर से 2009 में पद्मश्री और 2012 में फ्रांस सरकार की ओर से लेट्रेस से सम्मानित किया जा चुका है। वह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती है। कॉलेज के दौरान ही राय ने कुछ मॉडलिंग में काम किया। इसके बाद वह कई टीवी विज्ञापनों में भी दिखाई दी। बाद में उन्होंने मिस इंडिया की प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें वह दूसरे स्थान पर रही। 1994 में उसे मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। इसके बाद से उन्हें फिल्मों के लिए ऑफर मिलने लगे। अभिनय की शुरुआत उन्होंने तमिल फिल्म इरुवर से की। उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया थी। उन्हें बड़े पैमाने पर तब सफलता मिली जब संजय लीला बंसाली ने उन्हें हम दिल दीचुके सनम और देवदास में पाड़ों के रोल के लिए कास्ट किया। उनकी फिल्म धूम 2 और योद्धा अकबर ने देश विदेश में अच्छा कारोबार किया और इन फिल्मों में उनकी ऋतिक रोशन के साथ जोड़ी को भी सभी ने खूब पसंद किया। इस दौरान ऋतिक के साथ धूम 2 में फिल्माए गए एक किसिंग सीन को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और खबरें ऐसी भी आई कि अभिषेक बच्चन इससे नाराज भी हुए थे। फिल्म रेनकोट और गुजारिश में भी उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। राय बच्चन ऐश्वर्या का जन्म मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता कृष्णराज समुद्री जीव विज्ञानी थे। उनकी माँ का नाम बृंदा था जो कि गृहिणी है। उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम है आदित्य राय और वे मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। वे ऐश्वर्या राय की फिल्म दिल का रिश्ता के सह निर्माता भी थे। उनका परिवार बाद में मुंबई आ गया, जहां ऐश्वर्या ने आय विद्या मंदिर हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई जय हिंद कॉलेज से की और उसके बाद डीजी रूपा रेल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने HSC परीक्षा में 90% अंक आए। बचपन में उन्होंने 5 साल तक क्लासिकल डांस और संगीत की ट्रेनिंग ली। ऐश्वर्या राय ने 2007 में अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी की, जिनसे उन्हें एक बच्ची है आराध्या। ये शादी भारत की हाई प्रोफाइल शादी में से एक रही, जिसमें केवल गिने चुने लोगों को ही न्योता दिया गया। शादी को बाकायदा रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। 16 नवंबर 2011 में एस ने अपनी पहली बच्चे आराध्या को जन्म दिया। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1997 में मणिरत्न की फिल्म एरुवर से की थी। तमिल में निपुण न होने की वजह से उनकी आवाज़ को किसी अन्य ने डब किया। फिल्म सफल रही। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म और प्यार हो गया थी। फिल्म खास सफल नहीं हुई। 1999 में रिलीज हुई हम दिल दे चुके सनम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। ये फिल्म काफ़ी सफल रही और ऐश्वर्या के काम को भी सहारा गया। इसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद आई फिल्म ताल में भी उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी सहारा गया। इसकी प्रसिद्ध फिल्म एरुवर और प्यार हो गया, हम दिल दे चुके सनम, ताल, जोश, हमारा दिल आपके पास है, मोहब्बतें, देवदास, दिल का रिश्ता, खाकी, रेनकोट, उमराव जान, धूम 2, गुरु, प्रोवेक, द लास्ट सीजन, योद्धा अकबर, सरकार राज, रावण, रोबोट, गुजारिश आदि हैं। ऐश्वर्या की आने वाली फिल्म पोनियन सेल्वन 1 है, जो एक बड़े बजट की तमिल फिल्म है और इसे हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में एस डब रोल में दिखाई देगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।